एनेस्थीसिया कुछ ज्यादा हो गया था, जैसे कि मैंने बताया। ओ मेरी कान में चढ़ने के पहले मेरी कान को चिपा कर दिया इसने। भेंडी खतरनाक बदबूदार आदमी मेरी कार तोड़ता है। इस महिला को सबक सिखाना होगा, हमारी कार के आके कूद रही थी जानबूझ के ये, ताकि इसने जो इंश्योरेंस अपना कराया है उस कंपनी से अपना इंश्योरेंस क्लेम कर सके भाई तेरी, और हमें जबरदस्ती जेल पहुंचा सके। ये हम कदापि होने नहीं दे सकते। अब हमें यहाँ से दुड़की लगा के भागना होगा। दुड़की लगा के भागने के लिए हमारे पास कोई और चीज है या नहीं? ओ एम्बुलेंस वाले आ चुके हैं। और एम्बुलेंस वाले आ रहे हैं तो मैं सोचा एक तो पड़ी हुई जमीन पे, तो एक के साथ एक फ्री ले जाओ यार, दूसरी को भी ले जाओ, अकेले क्या करोगे जाके, दो से काम चलाओ। अभी हम निकलते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके की ये टर्मिनेटर नुमा खतरनाक बाइक। वाओ देखा, हमने ट्रक को वैसे चकमा दिया वहाँ पे। ऐ तेरी, मेरी गाड़ी के सामने खड़ी होती है, खड़ा ही होता है, कौन है तू? सूट बूट वाले आदमी, बाहर निकल तेरी। यहाँ तो मेरे पास गोली नहीं थी। ओ मेरी बाइक, मेरी करोड़ों की महंगी बाइक मैंने रिप्लेस कर ली है, करोड़ों की महंगी कार से एक बार। वाओ क्या फाइन ड्राइविंग स्किल्स का मुजाहरा। 360 टर्न, कुछ रियल टर्न मारना पड़ेगा, ये है हमारा रियल स्टंट। वाओ व्हाट अ रियल नॉनसेंस स्टंट माय गॉड। तो सपना देखना कोई बुराई नहीं है, सपने देखने हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसी तरह मैंने भी सपना देख लिया इस खतरनाक चमचमाती अल्ट्रा HD 4K 8K टेक्सचर वाली इस कार का सपना मैंने देख लिया। वाओ मजा आ गया इस कार में बैठकर। हाय 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 हाय, इस कार को चलाने का निहारने का मजा ही कुछ और है, और मैं बता नहीं सकता कितना मजा आया मुझे इस कार में बैठ कर। इस ऊंची चोटी पर आया हूँ, मैं पता नहीं इस रीजन का नाम क्या है, बड़ा 4K ग्राफिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आप 4K ग्राफिक्स में देख रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरह मैंने उस लामा कामा और झालेली पता नहीं क्या क्या उस हिरण को, हिरण जैसे दिखने वाले पंछी नहीं था, पशु था, उसको मैंने बचाया है और अपनी कार को यहाँ वहाँ डैमेज देता हुआ मैं चल रहा हूँ आगे। और साथ ही साथ माइकल बोल रहा है कुछ बुल उसके आगे पता नहीं कुछ बोल रहा है, बुलबुल बोल रहा है क्या, बुलबुल सही है, पता नहीं कुछ तो ऐसा बोल रहा है। फिर बाय द वे मैं अपनी कार के मजे ले रहा हूँ, ये है मेरी कार, इसे आप कह सकते हो चमचमाती हुई कार। अभी मैं इस कार को सपने में चला रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो मेरी हैंडलिंग कोई उतनी खास नहीं है, पर इसी हैंडलिंग के साथ में मुझे आगे बढ़ना होगा और इस चमचमाती हुई करोड़ों की कार में थोड़ा सा और सारा पैसा फूंकना होगा मुझे। सपने में हूँ यार, मैं सपना देख रहा हूँ, नींद में चला रहा हूँ मैं ये गाड़ी। तो नींद में तो आपके हाथ पैर यहाँ वहाँ चल जाते हैं, कभी आप करवट बोलते हो, कभी आप कुछ करते हो, आपके हाथ पैर यहाँ वहाँ चलने लगते हैं, तो ये वही हो रहा है मेरे साथ, बुरा मत मानना। पता नहीं अभी तो मेरा सपना बहुत अच्छे से चल रहा है, बीच में हो सकता है मेरा सपना टूट जाए। किसी महान आदमी ने कहा है कि सपना टूटते देर नहीं लगती। कौन है वो महान आदमी, आप लोग को ढूंढ के बताना होगा कौन है वो महान आदमी, कहीं मैं ही तो नहीं वो महान आदमी। और अल्ट्रा HD क्वालिटी में आप देख रहे हो तो फिर आप देख ही सकते हो क्या जबरदस्त इसके ग्राफिक्स। और वाओ क्या बचा है मैंने अपनी कार को एक्सीडेंटल। कार में जब भी मैं बैठता हूँ मुझे इतना मजा आता है कि मुझे लगता है कि मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। और जैसे आप देख सकते हो माइकल इस गाड़ी को चला रहा है, उसके साथ साथ लेस्टर भी है, थोड़ी देर में हमें मिल जाएगा यामा कोने पे। उसके साथ साथ हमें क्या नाम है उस खूंखार खिलाड़ी का, जो इसके अंदर एक और है जो बात बात पे अपनी पैंट खोल देता है, पता नहीं उस बंदे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत ही खतरनाक आदमी, उससे हमें बच के रहना होगा। सबसे पहले हम लेस्टर से मिलने की ट्राई करेंगे, लेस्टर वहां पे है कि नहीं, क्योंकि लेस्टर के बाजू वाले घर में ही खड़ी हुई है मेरी लैम्बोर्गिनी सियान। लैम्बोर्गिनी सियान जैसे मुझे मिलेगी तो वहां से मैं हो सकता है लैम्बोर्गिनी सियान को बेच करके टेम्पेस्टा खरीद लूं। टेम्पेस्टा भी बहुत सारी महंगी वाली कार है, करोड़ों की कार है, और ये भी मेरी कोई करोड़ों कार से कम नहीं है। मेरी गाड़ी की हैंडलिंग और ड्राइविंग हैंडलिंग पर भी आप जाना मत, क्योंकि मैं नींद में गाड़ी चला रहा हूँ, नींद में। हाँ तो तब तक के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो इस लेकर के जा रहा हूँ मैं एक बहुत ही जबरदस्त गैराज के अंदर। ओह माय गॉड, क्योंकि मैं नींद में हूँ, मैं गैराज के पीछे वाली दुकान में आ चुका हूँ। ओह माय गॉड, दिस इज द पीछे वाली दुकान पर हमें आगे जाना होगा, क्योंकि लेस्टर मजे ले रहा है। लेस्टर खड़ा है, लेस्टर के पीछे माइकल खड़ा है, माइकल मजे ले रहा है। जैसे ही माइकल के मजे पूरे हो जाएंगे तो लेस्टर पीछे चले जाएगा, फिर लेस्टर मजे लेने लगेगा। पर बाय द वे मीनवाइल अब हम इस गाड़ी के मजे लेंगे। देखो इस गाड़ी की चमचमाती चमचमाहट को, जो कि 4K ग्राफिक्स में आपको दिख रही है। जी हाँ, अभी ऑर्डर करने पे आपको मिलेगा। ओह माय गॉड, नहीं मतलब आपको 4K चमचमाते ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। और इस गाड़ी को मैं अंदर लेकर के जा रहा हूँ बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ में। ऑलरेडी ये गाड़ी करोड़ों की है, पर मैंने इसमें फूंक डाले हैं और भी बहुत सारे करोड़ों रुपये, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। देख सकते हो आप कितनी जबरदस्त चमचमाहट निकल रही है चारों तरफ से। आय हाय हाय, रियर व्यू मिरर का इसमें कोई काम ही लगता नहीं मुझे। किसी जो भी ये रास्ते चलती लड़कियां होंगी इसी कार को प्लैटिनम नुमा जो आस पास
खतरनाक चमचमाती फिनिश है, ठीक है, जो गॉडली लुक इसका सामने आ रहा है उसी में अपना चेहरा देख के अपना मेकअप कर सकती हैं। हो सकता है घर से जो मेकअप करके वो निकले होंगे तो उनका चेहरा कुछ और दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये मेरी चमचमाती बोल सकते हैं इसको, इसको वैपिड FMJM नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे चमचमाती। इस कार का नाम है चमचमाती वैपिड। क्या जबरदस्त यार, 4K अल्ट्रा HD ग्राफिक्स, क्या टेम्पेस्टा, क्या मिक्लेरन और क्या लैम्बोर्गिनी सियान और क्या बगाटी वेरॉन या क्या बगाटी चिरॉन चिरांद, ठीक है जो भी है, पर सही है। पर देख लो यार क्या जबरदस्त मजे आ रहे हैं। इसके टायर की डिटेल पे आप नजर डालो, उसकी जो स्मोक डिटेल है उस पर नजर डालो। मैं आपको दिखा रहा हूँ इंटीरियर, खतरनाक वाला इंटीरियर, देखो मजे करो इस इंटीरियर के, क्या फिनिश है। 4K अल्ट्रा HD मजाक नहीं है लाला, ये असली चीज है मेरे लाला। खतरनाक ग्राफिक्स, जबरदस्त रियर व्यू मिरर का मुआयना हम करते हुए, साथ ही साथ आप देख रहे हैं इसमें RTX भी इनेबल है। ओह माय गॉड, RTX को मिटा दिया एनवीडिया ने यार, ये मुझे पता नहीं पर क्या इस मतलब ये इस गेम को देखते से ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या यार ये गेम साला मेरे लिए बना है, ये कार मेरे लिए बनी है। और इसको स्ट्रीट पे मैं चलाऊं उससे पहले मेरा यहीं पे मजा खत्म नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। ओ माय, ओ बॉटल इतनी भारी है कि उसके ऊपर से कार चल के निकल गई। इसका मतलब ये है कि ये कार बहुत ही लाइट वेट है, अल्ट्रा लाइट वेट, ज्यादा हैवी नहीं बनाई हम लोगों ने, क्योंकि माइलेज भी तो निकालना है ना यार। क्या फिनिश यार, टायर की डिटेलिंग देखो, स्मोक, जो टायर का स्मोक निकल रहा है उसकी डिटेलिंग, साथ साथ जो LED नीचे लगी हुई है वो यूं ही नहीं लगी हुई है यार, ऐसे ही नहीं मैंने फूंक दी, इसके अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए। ये कार ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा महंगी है, ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ डॉलर्स की ये कार है, और उसके ऊपर मैंने इसमें पता नहीं कितने और डॉलर्स फूंक दिए हैं इसको और ज्यादा ऑप्टिमाइज करने के लिए। जैसे वो फैक्ट्री से निकल के आती है मेरा मन नहीं भरता है, मैं उसको और ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ। और क्या लुक इस कार है यार, देखते ही रह जाओ, निहारते ही रह जाओ। ओह माय गॉड, क्या बात है इस कार की, ये स्मोक ट्रेल आई कैंडी है यार, ये पूरा का पूरा गेम आज भी 2013 में रिलीज हुआ था पर आज भी ये गेम आई कैंडी है। तो थोड़ी देर में लेस्टर आता होगा, लेस्टर के पीछे माइकल आएगा, फिर उसके पीछे मेरी लैम्बोर्गिनी सियान आएगी। उस लैम्बोर्गिनी सियान मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे ही मैं लैम्बोर्गिनी सियान चलाता हूं तो मुझे बहुत अच्छा मजा आता है लैम्बोर्गिनी सियान चलाने में। और फिर जैसे ही मुझे लेस्टर के बाजू में दिखता है तो मैं लेस्टर से रुक के थोड़ी देर बात कर लेता हूं, उसको सारे अपना मैं मिशन समझा देता हूं। और अगर मुझे कोई भी बंदा रस्ते में दिखता है तो मैं उसको अपना मिशन समझा के सारी चीजें उससे उगलवा लेता हूं। और जैसे ही मैं अपनी डिटेल्स उसको बताता हूं मिशन के लिए, वो जाके अपने सरदार को बता देता है मेरी डिटेल्स, और मेरा मिशन कई बार फेल हो जाता है। और कई बार मैं कुछ भी बोलता रहता हूं कि क्या यार, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ कोई कमेंट्री का रिलेशन होता नहीं है कि मैं ये कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे कमेंट्री नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैं करता हूँ और बोलते जाता हूँ कि क्या बात है। थोड़ी देर में लेस्टर आएगा, लेस्टर के पीछे माइकल होगा, माइकल के पीछे एक गुस्सैल आदमी जो बार बार बात बात पर अपनी पैंट खोल देता है, उसका नाम मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा गुस्सैल आदमी तो वही है जो बात बात पर पैंट खोल देता है अपनी, तो लोग भागते हैं उससे दूर, यार भागो इससे वरना बूट के नीचे कुचल देगा और मेरा दिमाग का चिब्बा निकल जाएगा। ये मुझे आप बताओ, ये आपको जबरदस्त, वो क्या रोका है मैंने, फाइन ब्रेकिंग, देखा आपने, फाइन ब्रेकिंग कहते हैं, जबरदस्त फाइन ब्रेकिंग करता हुआ मैं यहाँ वहाँ और अपनी ब्लू ट्रेल्स छोड़ता हुआ LED के साथ मैं यहाँ पे फिर से मैं एक टर्न मारने की सोच रहे हैं, पर टर्न हुआ ही नहीं, कार का कंट्रोल मेरा इतना अच्छा कि मैंने टर्न नहीं मारा, उसके बावजूद कार ने टर्न नहीं लिया। नहीं, मुझे इस तरीके से कहना चाहिए कि मैं टर्न मारना चाह रहा था पर मेरी कार ने टर्न नहीं लिया। 4K UHD ग्राफिक्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ हुआ मैं कार ठोकते हुए चल रहा हूँ। तो आज मेरा पहला दिन है, मैं सपने में चला रहा हूँ ये कार, आप लोग ये बात भूलना मत। मेरी हैंडलिंग आज पहले दिन तो ऐसी दिखने वाली है, पर आप यार मेरी हैंडलिंग को मत देखो, ये कार को देखो, ये ग्राफिक्स को देखो। थोड़ी देर मुझे लेस्टर मिलेगा, लेस्टर के पास माइकल खड़ा होगा, लेस्टर के पीछे माइकल खड़ा है, माइकल के मजे पूरे होंगे तो फिर लेस्टर पीछे खड़ा हो जाएगा, फिर वो अपने मजे लेगा। और बहुत ही जबरदस्त मेरी लैम्बोर्गिनी सियान चल रही है, जब भी मैं लैम्बोर्गिनी सियान चलाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं कहीं भी कुछ भी सिचुएशन के हिसाब से कमेंट नहीं करता, मुझे सिर्फ और सिर्फ YouTube के एल्गोरिथम को ट्रिक करना रहता है। तो इसलिए मुझे बोलना है कि YouTube को लगना चाहिए कि ये बंदा रेगुलर कमेंट्री कर रहा है, बीच बीच में अटक नहीं रहा है, इसलिए मैं कुछ भी बिना सिचुएशन के हिसाब से कमेंट्री करता रहता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यार उतने से मेरा मन नहीं भरा, मैंने सोचा शाम हो गई है, शाम को कुछ और करना चाहिए, नींद से खुले नहीं है, अभी सपना ही चल रहा है हमारा, सपने में शाम हो चली है और ग्राफिक्स की तो और ज्यादा कली खिल चुकी है यार। देखो जबरदस्त ग्राफिक, टायर के स्मोक देखो, ये कहां तो सुबह ब्लू थे और अभी पिंकी हो गए। अनफॉर्चुनेटली हमने टर्न मारा तो चाहा, वो टर्न हुआ नहीं, और धीरे धीरे हम जाएंगे लेस्टर को मिलेंगे, लेस्टर से अपना मिशन पूछना है, लेस्टर में मिशन बताएगा मिशन में क्या करना है, उसके बाद हम लैम्बोर्गिनी सियान उठाएंगे अपनी, उसके बाद मैक्लेरन और टेम्पेस्टा भी उठानी होगी हमें, पोर्श भी अगर हमें कहीं दिख जाएगी रस्ते में तो हम जरूर उसको उठा के किसी चोर बाजार में बेच करके आएंगे। और ये जब भी मैं इस तरह की ड्राइविंग करता हूं मुझे बहुत मजा आता है। चलो माना कि ये सुबह है पर अब बंदा नींद में है, नींद से जागना तो पड़ेगा, नींद से जागने के लिए आपको करना क्या होगा, आपने इंसेप्शन मूवी देखी होगी यार कि नींद से जागने के लिए आपको पानी छिड़कना पड़ता है, पानी छिड़कने से ही एकमात्र वो चीज है, या फिर आपको
एक किक मारनी पड़ती है बहुत लंबी चौड़ी वाली अपने आप को, ताकि आप उस सपने से जगो। अपना लाइसेंस में घर पे रख के आया हूं, इसलिए मेरी ड्राइविंग आपको कुछ खास दिख नहीं रही होगी, पर अब हम आ चुके हैं बीच पे और यहाँ पे आपको टायर स्मोक जरा भी नहीं दिखा, क्योंकि बीच पे आपको बीच वाला स्मोक दिखेगा। पर यहाँ पे भी मैं थोड़ी हंसी ठिठोली और मस्ती करने से चूकूंगा नहीं। और ग्राफिक्स बहुत ही जबरदस्त 4K UHD में बीच के पास आपको बीच ट्रैवलिंग एजेंसी का टिकट दिला है, आपको जबरदस्त एक्सपीरियंस दिला दूंगा मैं। उसी एक्सपीरियंस के साथ हम आगे बढ़ते हुए, यार नींद से जागना होगा, कब तक सोते रहेंगे इस 4K UHD ग्राफिक्स में। लैम्बोर्गिनी सियान, लेस्टर माइकल, वाओ लमार, कब आओगे तुम? ओह ठीक है, हम नींद से जग गए। ओह माय गॉड, पर गाड़ी और इंजन का चलना बंद नहीं हो रहा है, अब इंजन में पानी भर चुका है, तेरे दिमाग में पानी कम घुसेगा भाई। जगले कब तक सोता रहेगा, अभी भी सो ही रहा है गाड़ी में, धीरे धीरे पानी भर रहा है, पता है सो ही रहा है अभी, उसको पता नहीं चली है, अभी भी देखो हाथ घूम रहे हैं उसकी नींद में। ओ फाइनली पता चला भाई को, चक्कू लेके निकला है कि किसी ने उसकी नाक दबा दी और पानी डाल दिया उसके अंदर, ऐसा लग रहा है भाई को, मुझे ऐसे ही लग रहा है। कार, मेरी सपनों की कार, करोड़ों रुपए फूंक दिए मैंने इसके अंदर, करोड़ों रुपए की तो खरीदी थी, उसके बाद करोड़ों रुपए और फूंक दिए। इस कार को पानी से निकालने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इस कार को मुझे ध्वस्त करना होगा, इस कार का विध्वंस करना होगा मुझे नींद से जागने के लिए। शायद नींद से जागने के बाद ये कार मुझे मिले वापस से अपने गैराज में। ओह माय गॉड, वेस्टेड वेस्टेड वेस्टेड।